नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनदेशक न्यूज़ में। अनदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि 24 जनवरी 2023 को एक अहम बैठक होने वाली थी, जो बैठक 24 जनवरी को यानी कि कल बैठक हुई। साथियों, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री श्रीमान संदीप सिंह जी और साथ ही उनके महानिदेशक वैश्विक शिक्षा श्रीमान विजय किरण आनंद जी, दो काबिल लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने पूर्व से चली आ रही समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की है और बीच का रास्ता निकालते हुए बेहतर कैसे किया जाए वैश्विक शिक्षा विभाग में, उसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसका प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, वैश्विक शिक्षा विभाग के कार्यों तथा भविष्य की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु आज योजना भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी एक पोस्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है साफ, प्रिय अनुदेशक साथियों को आप सभी को अवगत कराना है कि 17,000 का एक साल का एरियर मिलना लगभग आज की बैठक में तय हो गया है। जैसा कि इसकी जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है कि पैरवी के दौरान ये तथ्य सामने आए थे कि सरकार एक साल का एरियर देगी और कोई भी व्यर्थ की नेतागिरी नहीं किए तो जल्द ही परिणाम सबके सामने होंगे। एक साल का एरियर आने से पहले आप सभी को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद आपका, हिमांशु वर्मा, रायबरेली। तो साथियों, अभी हाल ही में स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से बीजेपी के एक अहम लीडर मनोज पंडित जी ने भी ये सूचना दी थी कि जल्द अन्वेषकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिस पर काम जारी है और लगभग पूर्ण कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम सोशल मीडिया और इन सभी शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों की, लीडरों की बातों को ध्यान में रखें और थोड़ा विश्वास करें तो लगता है अब अन्वेषकों का 17,000 एक वर्ष का ही भले वो मिलकर रहेगा, ये तो निश्चित हो चुका है। बाकी वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोगों से निवेदन है, समाचार कैसा भी हो उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले आप 100 बार सोच लें। आपने अब तक 10 साल धैर्य का परिचय दिया है, जिसके लिए हमारा चैनल आपको सलाम करता है और आपकी इस धैर्य की तारीफ़ करता है। साथ ही साथ आप सभी को एक सलाह देता है कि जिस तरीके से आप संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी माँओं को लगातार मांगते रहे, वैसे जब तक नियमितीकरण ना हो जाए तब तक आप जारी रखें। और मेरा निवेदन है, स्पेशल कवरेज न्यूज़ लगभग एक वर्ष से ज़्यादा हो गया है आपकी बात को उठा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और अगर हमारी खबरें आपको सही लगती हैं तो हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ तक ले जा सकें, आपको अवगत करा सकें क्या हो रहा है आपके भविष्य के साथ। तो ये थी खास खबर, मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।